अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई कुक किट। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आ रही हूँ। ये रेसिपी है मटन रान। रान यूजली लोग बाहर बाज़ार से बनवाते हैं ईद के मौसम पे आगे पीछे, बट मैं इसे प्रेफर करती हूँ अपने घर में बनाना। चलें जी, आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। आप रेसिपी के तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। मैंने ये रान बनाई है काबले पुलाव के साथ। आप इस रान को किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, ऐसे अकेले सिंपल भी खा सकते हैं। चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल आई कुक किट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूवर्स, मटन रान रोस्ट बनाने के लिए मैंने ये मटन रान ली है। तकरीबन इसका वज़न 2.5 kg होगा। अब इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, इसे हमने डीप कट्स लगाने हैं। रान में कट्स काफ़ी डीप होने चाहिए ताकि मसाला अंदर तक जाए, मैरिनेशन अंदर तक हो। इसी तरीके से दूसरी तरफ कट्स लगा देंगे। कट्स इसको हमने लगा लिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। सबसे फर्स्ट स्टेप पे कट्स लगा लिए हैं, नेक्स्ट स्टेप है इसे वॉश करने का। इसको वॉश करने के लिए के ऊपर हम नमक लगाते हैं अच्छे से। नमक लगाने का ये फ़ायदा होता है कि इसका टेस्ट जो है वो टेस्टलेस नहीं रहती, अंदर तक ये जो है रान नमकीन हो जाती है, नमकीन थोड़ा सा टेस्ट आता है इसका। अब इसके साथ हम इसके साथ लगाएंगे सिरके को, का हमने तकरीबन 2 to 3 tablespoons लगाने। इससे बोटियों के अंदर जितना भी खून जमा हुआ होगा, जो खून बाकी बचा हुआ होगा, वो निकल जाएगा और गोश्त का कलर भी बड़ा अच्छा सा हो जाता है। इसे मैं मैरिनेट करके रख दूँगी तकरीबन 1 hour 45 minutes के लिए। उसके बाद मैं इसे वॉश करूँगी। व्यूअर्स, रान को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। 2 times इसका पानी मैंने निकाला है धोते वक्त। ये पानी मज़ीद अभी और भी ड्रेन आउट हो रहा है। आधा घंटा हो गया है मैंने मुझे इसको धोए हुए। अब जी नेक्स्ट स्टेप है इसकी मैरिनेशन की। मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, मैरिनेशन बनाने के लिए प्याज लेंगे। प्याज हमने ज़रूर डालना है। मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया। इससे गोश्त टेंडर होता है, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। लहसुन डालना है साबित, ग्राइंडर में ग्राइंड हो जाएगा। एक लहसुन का पूरा जवा लिया है मैंने, साथ लिए मैंने अदरक। अदरक भी इस तरीके से 2 inches का तकरीबन टुकड़ा लिया है। सब्ज मिर्चें ली हैं मैंने, 2 and 2, 4, 2, 6। और लेमन लेना है, इसका छिलका उतार के पल्प के साथ लेमन हमने इसमें यूज़ करना है। डीसीड कर देंगे इसको, बीज इसके अंदर नहीं डालने, उसका टेस्ट कड़वा होता है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, पानी नहीं हमने ज़्यादा डालना ताकि ये आराम से ग्राइंड हो जाए। जी ये मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया है। हम इसके 2 portions कर लेंगे। ये है दही। दही में मैं ये जो अभी आपके सामने मसाला ग्राइंड किया है, 1, 2, 3, 4, 5 teaspoons मैं इसमें ऐड करके इसे अलग रख दूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 teaspoon कुछ धनिया पाउडर, 1 teaspoon और ये मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, 1/4 teaspoon। इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब इसे हम रान पे लगा देंगे। अब ये रान ले लेंगे, ये मसाले हमारे रेडी हो गए हैं। रान के ऊपर मैं डायरेक्ट नमक इस तरीके से डालूंगी, नमक उन उसमें नहीं मिक्स करना। तकरीबन ये हाफ टी स्पून है। अब मैं इस पे ये मसाला लगाऊंगी। मसाला लगा लिए हैं, अब इसे हम फिलहाल इसे मैरिनेट करके रखना नहीं है हमने, अभी इसे हमने फ़ौरन से फ्राई कर लेना है। ये मैंने ऑयल गरम कर दिया है एक बड़े बर्तन में। 5 मिनट हम इसे एक साइड से पकाएंगे। साइड से मैं ऑयल इस पर डाल रही हूँ और 5 मिनट फिर हम इसे दूसरी साइड से पकाएंगे। थोड़ा सा इस तरीके से ऑयल इसमें हाथ में डालते रहना है। 5 मिनट एक साइड, 5 मिनट दूसरी साइड। जी तो व्यूअर्स, अब ये हमारी रान फ्राई ऑलमोस्ट अच्छे तरीके से हो चुकी है। ऑयल इस पर इस तरीके से आपने स्प्रेड करते रहना है। जी तो व्यूअर्स, रान हमारी ठंडी हो चुकी है। दही का और बाकी जो मसालों का मिक्सचर बनाया था, प्याज अदरक लहसुन का, ये वो मिक्स किया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मसाले को अच्छे से हम इस रान पे लगा देंगे। जी तो इसे अच्छे से मैरिनेट कर लिया हमने। मिनिमम मैरिनेशन टाइमिंग है इसकी 12 आवर्स, ठीक है। आप इसको इससे ज़्यादा भी मैरिनेट कर सकते हैं, मैं इसे ऑलमोस्ट 18 आवर्स के लिए मैरिनेट करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं इसे स्टीम किस तरीके से करना है। इसे आपने फ्रिज में रख देना है, ऐसे बाहर नहीं रखना, ये तो ख़राब हो जाएगा। व्यूअर्स, रान को हमने मैरिनेट कर लिया था, मैंने इसे ओवरनाइट मैरिनेट किया है 18 आवर्स के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसे हमने स्टीम करना है। सबसे पहले मैं लूँगी ये फॉइल पेपर। फॉइल पेपर हमने ले लिए हैं, इनको इस तरीके से अरेंज करना है। इसके ऊपर हम डालेंगे बटर पेपर। ब्रान को उठा के हमने इसके ऊपर रख देना है और जो भी हमारी मैरिनेशन है इसको इसके ऊपर डाल देंगे। लपेट लेना है। और अब हम फॉइल पेपर को इसके ऊपर बहुत अच्छे से लपेट देना है। पूरी रान को फॉइल पेपर से ये होता है कि हीट बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती और अंदर ही रहती है। इससे जितने भी जूसेस होते हैं, फॉइल पेपर से ये फ़ायदा होता है, जितने भी जूसेस होते हैं वो रान के अंदर ही रहते हैं, वो बाहर वेस्ट नहीं होते। वरना जब भी हम इसको स्टीम देते हैं तो इसके सारे जूसेस वेस्ट हो जाते होते हैं। अब हम इसमें कट्स लगा लेंगे ताकि हीट को निकलने का रास्ता मिले। ये मैंने कुकर लिया है, इसमें मैंने पानी डाला है, थोड़ी सी काली मिर्चें डालूंगी 6 से 7, दालचीनी,
दो टुकड़े दालचीनी के डालने हैं आपने, लौंग, तकरीबन सारे ही गरम मसाले आपने डालने, बादियान का फूल, मोटी इलायची, ज़ीरा ऐड कर देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करूंगी, 1 टेबलस्पून ऐड ऑयल मैंने ऐड किया है। स्ट्रेनर रख दूंगी और इसके ऊपर मैंने रान रख देनी है। अब इसे हम प्रेशर पे लगा देंगे 5 मिनट के लिए। मैं इसे फुल आंच पे चढ़ाऊंगी और इसके ऊपर प्रेशर दे दूंगी। जब सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी, 5 से 10 मिनट लगते हैं इसकी सीटी आने में। उसके बाद टाइमिंग नोट करनी है आपने, 1.5 घंटे के लिए इसको हल्की आंच पे आपने इसको कंटिन्यूसली स्टीम करना है। हमारे रान को तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। 1.5 घंटे के बाद मैं इसे खोलने लगी हूँ कुकर को। जी तो व्यूअर्स, इसको आहिस्ता आहिस्ता से हटाना है, काट लें इसको। अंदर इसके बटर पेपर है। अब इसे मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये इसे ओपन कर लिया, देखिए कितनी ही कोई अच्छी बनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हड्डी इससे अलग हो चुकी है और इसके अंदर ग्रेवी भी मौजूद है जो कि वेस्ट नहीं हुई। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेंडर इस तरीके से बनी है। पहले हम राइस की लेयरिंग करेंगे। मैं अपनी मटन रान इस तरीके से 2 पलटे आपने लेने हैं, इसको उठा के इसके ऊपर रख देना। हाथ से उठाएंगे तो टूट जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बनी है। एंड पे मैं इसके ऊपर ये नट्स डाल दूंगी। इस पे प्याज इस तरीके से सेट कर देंगे। जी तो व्यूवर्स, मटन रान की रेसिपी हमारी रेडी है। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आपने रेसिपी के तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है, आपकी रान भी इतनी ही अच्छी बनेगी जितनी मेरी है मटन की रान अच्छी बनी है। आपने इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर किसी और रेसिपी से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।